महाकुंभ 2025 से पहले प्रयागराज में भी श्री काशी विश्वनाथ धाम, मिर्जापुर के विंध्याचल कॉरिडोर की तर्ज पर बनेगा दिव्या और भव्य महर्षि भारद्वाज मुनि कॉरिडोर। इसके लिए योगी सरकार ने 13 करोड़ 35 लाख रुपए का संशोधित बजट पास कर दिया है। वाल्मीकि रामायण ने प्रयागराज के भारद्वाज आश्रम को देश का पहला गुरुकुल और इसके कुलगुरु वर्तमान कुलपति के तरह महर्षि भारद्वाज को बताया गया है। भगवान राम लंका विजय के बाद महर्षि भारद्वाज आश्रम आकर अपने कुलगुरु महर्षि भारद्वाज जी से आशीर्वाद प्राप्त किए थे। ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में यहाँ एक भव्य गुरुकुल था जहाँ देश भर के आए छात्रों को वैदिक शिक्षा दी जाती थी। वर्तमान में यहाँ पर स्थित भारद्वाज आश्रम में ऋषि भारद्वाज महर्षि वाल्मीकि सहित कई मंदिर है जिनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। यही नहीं, भारद्वाज आश्रम के आसपास बड़ी संख्या में अतिक्रमण कर अवैध मकान बनाए गए हैं जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है और इसे अतिक्रमण से मुक्त कराकर भव्य भारद्वाज कॉरिडोर बनाया जाएगा। भारद्वाज कॉरिडोर हिंदू मंदिर शैली पर आधारित होगा। माना यह जाता है कि महर्षि भारद्वाज जो कि प्रयागराज के पहले निवासी है, वैदिक काल में सर्वाधिक प्राचीन ऋषियों में से एक है। महर्षि भारद्वाज जी द्वारा स्थापित यह आश्रम कभी अपनी पौराणिकता और आध्यात्म केंद्र के रूप में विख्यात था, लेकिन कालांतर में यहां अतिक्रमण होता गया। भारद्वाज आश्रम के गुरुकुल में देश भर से आने वाले विद्यार्थी ज्ञान एवं दर्शन की शिक्षा के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान किया करते थे। ज्ञात हो कि पिछले कुंभ में भारद्वाज आश्रम के पास स्थित पाक का जीर्णोद्धार कर यहां भारद्वाज ऋषि की भव्य प्रतिमा योगी सरकार ने स्थापित की थी। अब नए प्रोजेक्ट के तहत इसे भारद्वाज कॉरिडोर बनाकर इस आश्रम की पौराणिकता को पुनः स्थापित किया कर इसे विश्व पटल पर तीर्थ स्थल के साथ ही पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।